नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गरिमा गर्ग और स्वागत है आपका द ऑर्डरिंग में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत चुनावों की। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। शनिवार 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव हुए। क्षेत्र पंचायत प्रमुख की उत्तर प्रदेश में टोटल 825 सीट्स हैं, जिसके लिए 1778 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, परंतु स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा 68 उम्मीदवारों का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया और 187 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। इसका परिणाम ये रहा कि 349 कैंडिडेट्स को विरोधी कैंडिडेट न होने के कारण बिना चुनाव ही प्रमुख बना दिया गया। बाकी बची 476 सीट्स के लिए 10 जुलाई को यूपी में चुनाव हुए। इन 476 सीट्स में से 301 भारतीय जनता पार्टी ने ही समेट ली। टोटल में भाजपा ने 825 में से 635 यानी करीब 85% सीट अपने नाम कर भव्य जीत प्राप्त की। इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के अन्य दिग्गज नेताओं ने खुशी जाहिर की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रमुख स्वतंत्र देव को बधाइयां दी। प्रधानमंत्री मोदी और बाकी सभी के अनुसार ये जीत योगी सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है। इस जीत के बाद योगी आदित्यनाथ यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव के साथ यूपी भाजपा के कार्यालय पहुंचे और वहां मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम, उसके जीवंत उदाहरण है। उनका कहना है कि ये जीत उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नीति में लोगों के विश्वास के कारण मिली है। उनके कहने अनुसार ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट सरकार का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। उन्होंने सभी जीतने वाले कैंडिडेट्स को बधाइयां दी और राज्य के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एकदम शांतिपूर्वक और मजबूत बताया, परंतु सच्चाई तो कुछ और ही नजर आई। नॉमिनेशन फाइलिंग और चुनावों के दौरान यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट्स से हिंसा की खबरें, बहराइच जिले से एक दर्दनाक हत्या की खबर सामने आई। वहां की उम्मीदवार जिसे भाजपा का समर्थन था के हस्बैंड सुधीर यज्ञ सैनी पर ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी की सदस्य यदुराई देवी के रिश्तेदार माया राम की हत्या का आरोप है। पुलिस ने सुधीर यज्ञ सैनी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इटावा के बारापुरा ब्लॉक से पत्थरबाजी और फायरिंग की खबरें सामने आई हैं। वहां के एएसपी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो फोन पर कहते नजर आते हैं कि उन पर बीजेपी के नेताओं ने हमला किया है। आइए वो वीडियो देखते हैं। सर, इटावा था, मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले विधायक और जिलाध्यक्ष विमल भैया था। हाँ, इनके साथ विमल भदौरिया था। इस केस में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने भाजपा नेता विमल भदौरिया सहित 125 और लोगों को बुक किया है। उन्नाव से एक जर्नलिस्ट पर वहां के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर और बीजेपी वर्कर्स द्वारा हिंसा का वीडियो सामने आया है। प्रदेश के कम 18 अलग क्षेत्रों से हिंसा की खबरें और वीडियो आई हैं।
ये बहुत ही शर्मनाक है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 825 में से 103 सीट जीती हैं और बाकी बची सीट अन्य पार्टियों ने जीती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ की सरकार को जंगल राज बताया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं। क्या भाजपा की ये जीत 2022 के चुनावों का ट्रेलर है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाली देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द ऑटरिंग। धन्यवाद।